हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग ड्राइंग करेंगे बटरफ्लाई की, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बटरफ्लाई की ड्राइंग, तितलियों की ड्राइंग। तो इसे हम क्या करते हैं, थ्री की तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक थ्री जैसा, लेकिन नीचे वाला थोड़ा लंबा खींचना होगा इसे, इस तरह से थोड़ा सा लंबा, ओके, इस तरह से। ऊपर में आप गोल भी कर सकते हैं, सर्कल जैसा, और फिर नीचे से लंबा भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अब यहाँ में देखिए, ये मैं साइज़ ले रही हूँ कि किस तरह से हम लोग पंख की ड्राइंग करेंगे, तितलियों के पंख की। तो ये देखिए, मैं निशान लगा रही हूँ, एक तरह से मेज़रमेंट हो गया। अब इस तरह से भी ये इसके बराबर ले जाना है और यहाँ पर डॉट, ठीक है। अब इस तरह नीचे भी करेंगे। कुछ भी ले सकते हैं मेज़रमेंट करने के लिए। मैंने पेंसिल लिया है, ये मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, और अब फिर इस तरफ भी, ये देखिए, ये मैंने निशान पहले ही पेंसिल पे बना रखा है, आप देख ही रहे होंगे। और ये इसके बराबर ये ले गए, और यहाँ डॉट जहाँ निशान लगा रखा है उसके नीचे डॉट लगा दिया। अब इसके हम पंख बनाएंगे इस तरह से करके, और जहाँ गलती होगी वहाँ इरेज भी करेंगे, मिटाएंगे भी इस तरह से। और फिर इसे नीचे से ले जा करके इस तरह से करना है, ठीक है। और अब इसी तरह दाएं तरफ की जो पंख है वो भी हम ड्रॉ करेंगे, इसके बराबर ले जाना है। मतलब इसका जो दो पार्ट में जो बटा हुआ है उसको दिखाने के लिए, इस तरह से। ये मेरा थोड़ा सा पतला हो गया, इसे मैं चौड़ा कर रही हूँ, जैसा कि ये वाला बाएं तरफ का पंख है उसी तरह। और फिर इस तरह नीचे करेंगे, नीचे से ले जाएंगे। ये मैं इसी तरह पेंसिल से बता रही हूँ ताकि आप लोग को भी करने में आसानी हो, बच्चों को सिखाने में आसानी हो, इस तरह। ये छोटा सा मैंने फिर से निकाल दिया है पंख जैसा, इस तरह से। फिर इधर भी इस तरह से, ये इस तरह से कर दिया, चौड़ा कर दिया इसे, ठीक है। अब वो वाला जो है उसे मैं रेस कर दूंगी। ये हो गया हमारा। अब इसी तरह छोटा सा यहाँ भी निकाल देंगे, ये थी, इसके बराबर ले जाना है। ये थोड़ा सा चौड़ा मैं बना दे रही हूँ, थोड़ा बहुत पतला लग रहा था, ओके, ये हो गया। अब ये बटरफ्लाई की जो बॉडी की जो रहते हैं ना, वो मैं बना दे रही हूँ। अब ये इसकी दो आँखें हो गई, और ये ऊपर निकले हुए हो गए इसके। कितने सुंदर लगते हैं ना ऐसे। अब मैं पूरे बॉडी में, बटरफ्लाई की बॉडी में ब्राउन कलर से कलर कर रही हूँ। ये पूरे बॉडी में इसी तरह ब्राउन कलर कर देना है। आप ऐसे कुछ भी कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउन कलर से ही कर रही हूँ। इसी तरह पूरे बॉडी में हो जाएगा। अब ये देखिए, अब मैं इसमें इसी तरह अच्छा लगने के लिए इसमें इस तरह से बना दे रही हूँ। कलर करूँगी तो अच्छा लगेगा, ये अच्छा दिखेगा। अब मैं इसके पंख को पिंक कलर से पेंट कर दूँगी। ये पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है ना, गर्ल्स की फेवरेट कलर होती है। तो ये पिंक कलर इसी तरह दूसरे में भी, चारों पंख में इसके पिंक कलर डाल दूँगी, ठीक है। अब आउटलाइन कर देंगे इसके पूरे बॉडी में, पूरे में आउटलाइन। ये देखिए, कलर तब तक सूख चुका है, सूखने के बाद ही मैं आउटलाइन कर रही हूँ, ठीक है। और आप तो चाहे तो किसी भी वैक्स कलर से, स्केच पेन, किसी से भी कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ वाटर कलर से कलर कर रही हूँ,
ये मैं गोल्डन जो ग्लिटर का कलर आता है ना, गोल्डन का, उसी से मैं इसे कलर कर रही हूँ। इसके पंख को भी मैं इसी तरह सारे पंख को हम लोग कलर कर देंगे। ओके, ये देखिए यही है ग्लिटर वाला कलर, गोल्डन कलर का, यही डब्बा मैंने लिया था। अब ये देखिए, ये मैं डॉट डॉट दे रही हूँ ब्राउन कलर से, डॉट डॉट जिससे सुंदर लगे देखने में। ये पूरे में मैंने दे दिया। ओके, अब मैं इसकी आंखें कलर कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें स्माइली भी बना सकते हैं, मैंने नहीं दिया है। ये दोनों, अब इसमें ब्लैक पेन से मैं डॉट डॉट दे रही हूँ जिससे और भी रंग बिरंगे पंख इसके दिखें। इस तरह से और इस तरह हमारी बटरफ्लाई की ड्राइंग पूरी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।